जयपुर के झालाना स्थित राजस्थान ललित कला अकादमी में राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक कामकाज शुरू हो गया है। ललित कला अकादमी के सेक्रेटरी विनय शर्मा ने बताया कि सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक काम शुरू किया गया है। कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, सैनिटाइजर का उपयोग करना आदि को लागू किया गया है। साथ ही ऑनलाइन कला प्रदर्शनी और ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा विभाग की ओर से ऑनलाइन कला शिविर, ऑनलाइन कला प्रदर्शनी और पेंटिंग्स बिक्री की योजना भी तैयार की जा रही है। राजस्थान ललित कला अकादमी की जो गैलरिया है जहां पर एग्जीबिशन लगा करती थी वो पिछले कई दिनों से लॉकडाउन में बंद पड़ी थी। अब सरकार ने जो है सरकारी कार्यालय खोलने के आदेश दे दिए हैं, तो अब जो है नवाचार भी किया जा रहा है। चूंकि लॉकडाउन है तो इसके कारण जो है अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो वेबसाइट यूट्यूब है, ऐसे कुछ तरीके हैं जिसके माध्यम से एग्जीबिशन को डिस्प्ले किया जाने की तैयारियाँ कर रही है राजस्थान ललित अकादमी। आप देख सकते हैं ये मुख्य द्वार है, यहाँ पर कर्मचारी को बिठाया गया है, गेट पे सैनिटाइजर रखा गया है। हालांकि अभी दर्शकों की एंट्री बंद है। अभी जो एग्जीबिशन आप देख सकते हैं ये पेंटिंग डिस्प्ले की गई है, ये पेंटिंग जो है इसका एक वीडियो तैयार किया जाएगा, फिर इस वीडियो को जो है सोशल साइट पर डाला जाएगा ताकि लोग जो पिछले लंबे समय से लॉकडाउन में इस एग्जीबिशन का जो इंतज़ार कर रहे थे कि एग्जीबिशन कई दिनों से नहीं हो पा रही थी, तो उसको लेके जो आप देख सकते हैं सावधानी बरती भी जा रही है। यहाँ पर एग्जीबिशन लगाने की जो तैयारियाँ चल रही है, यहाँ पर सैनिटाइज भी किया जा रहा है क्योंकि किसी भी तरीके से कोरोना का संक्रमण जो है यहाँ न फैले, इसके लिए पूरी सावधानी रखी जा रही है। हमारे साथ राजस्थान ललित कला अकादमी के सेक्रेटरी हैं विनय जी शर्मा, उनसे बात करते हैं कि सर बताएं किस तरीके से जो सावधानी बरती गई है, सरकार ने कार्यालय भी शुरू कर दिए हैं, कर्मचारी कितने आ रहे हैं, क्या सावधानी रखी है? जैसे राज्य सरकार के आदेश हैं उन नियमों को हम पालन कर रहे हैं। 50% एम्प्लॉई हैं वो यहाँ आते हैं और जो हमारे रूटीन काम है, और नए अब क्या कर सकते हैं क्योंकि कला के माध्यम से ही समाज में उल्लास और खुशियाँ ला सकते हैं, तो हमें दर्शकों के बीच पहुंचना होगा किसी न किसी माध्यम से। तो हमने ये सोचा है कि प्रदर्शनियों का आयोजन करें, ऑनलाइन प्रदर्शनी दिखाएं लोगों को। तो ये हमारी 61वीं राज्य कला प्रदर्शनी है जिसको हमने डिस्प्ले किया है, और कुछ दिनों बाद हम इसको ऑनलाइन करेंगे जिससे सारे दर्शक इसको देख सकें। तो सर कलाकारों का जो संकट आ गया है, जिस तरीके से लोक कलाकार आर्टिस्ट की बात की जाए, तो पेंटिंग्स कलाकार की बात की जाए जिनके ऊपर एक रोजगार को, तो ऑनलाइन पेंटिंग बिक्री की क्या कोई तैयारी है क्या? इन सभी कृतियों की कीमत हमने रखी हुई है, जो भी कोई खरीदना चाहेगा ऑनलाइन खरीद सकता है। अकादमी के माध्यम से अकादमी प्रयास करेगी कलाकारों की पेंटिंग्स बेचने की जिससे उनको मदद मिल सके। तो ये सारी हम कोशिश कर रहे हैं, लोगों से कॉन्टैक्ट में भी रहेंगे, प्राइवेट गैलरीज है उनसे भी हम संपर्क में हैं कि वो हमारी जो भी एग्जीबिशन है उनको वो भी देखें, और उनमें से जिन कलाकारों की कृतियाँ खरीद सकते हैं वो खरीदें और अकादमी के माध्यम से हम उनको बेचें। ऑनलाइन पेंटिंग किस तरीके से ऑप्शन रखा है ललित कलाकार? जैसे ये सारा इनका हम PDF और PDF फाइल जिसमें पूरी डिटेल होगी वो हमारी वेबसाइट पर डालेंगे, अकादमी की वेबसाइट पर और प्राइवेट गैलरीज की वेबसाइट पर भी डालेंगे। तो उसके थ्रू जो भी चाहे वो संपर्क कर सकता है उन पेंटिंग्स के हिसाब से, या जो भी जैसा भी नेगोशिएट करना चाहे तो नेगोशिएट भी कर सकता है, और तो इसके माध्यम से हम पेंटिंग्स बेचने का प्रयास करेंगे। इनका कहना है कि कला के माध्यम से जो है दोबारा समाज में खुशियां लाई जा सकती है, तो कुछ आर्टिस्ट है जो पेंटिंग्स तैयार कर रहे हैं, कुछ लॉकडाउन में तैयार की गई है, कुछ पहले भी की हुई है, तो आर्टिस्टों के जो रोजगार का संकट है उसके समाधान के लिए भी अब ललित कला अकादमी जो है नया तरीका ढूंढ निकाला है, ऑनलाइन पेंटिंग्स आमंत्रित कर रही है, इसके अलावा डिस्प्ले भी की जा रहा है, इसके अलावा ऑनलाइन बिक्री के लिए भी उपलब्ध कराई जा रही है। तो ऐसे में एक लॉकडाउन के बीच लोगों की जो ज़िंदगी है उसको वापस पटरी पर लाने के लिए लगातार जो है राज्य सरकार भी प्रयास कर रही है, तो साथ में विभिन्न विभाग है जो अपने स्तर पर भी नवाचार कर इस कोरोना की जो लड़ाई है उसको वापस हरा कर जो है ज़िंदगी सामान्य बनाने का प्रयास कर रही है। कैमरा पर्सन सुनील शर्मा के साथ हनुमान सिंह चारण A1।